अस्सलाम वालेकुम। फोटोसिंथेसिस में आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लाइट। जैसा कि आपको पता है कि सन जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रह रहे हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि मूव करती है या ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में और पार्टिकल्स की फॉर्म में। जो पार्टिकल्स की फॉर्म में मूव करते हैं उसको क्वांटम कहते हैं। क्वांटम जो है इनको हम कह सकते हैं कि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और अगर लाइट एनर्जी के पैकेट्स हों तो उसी को ही फोटॉन्स कहते हैं। और जो लाइट का बिहेवियर है एज ए वेव्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इनको हम क्रिएट कर सकते हैं बाय वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और जो इंटायर रेंज ऑफ रेडिएशंस होती हैं उनको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे कि ये गैमा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, और यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इनमें जो गैमा रेस होती हैं, फुल स्पेक्ट्रम में जो गैमा रेस होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। गैमा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर में होती है, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है ये किलोमीटर्स तक होती है। वेवलेंथ हम किसको कहते हैं, जैसे कि ये एक वेव नज़र आ रही है, इसमें ये ट्रफ कहलाता है जो नीचे वाला पोर्शन है, और ये पीक्स कहलाती हैं, और दो पीक के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। और अगर ये डिस्टेंस कम हो तो वेवलेंथ जो है वो कम होगी, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेडियो वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और गैमा रेज़ की कम होती है। ये जो जितनी भी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी गैमा रेज जो हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद एस रे, एक्स रेज, फिर यूवी रेडिएशंस, और सबसे कम जो एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की होगी। इस पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, ये वाला विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, और इसको हम विब गॉयर से डिनोट करते हैं, यानी कि है तो ये वाइट लाइट जो सनलाइट से आती है, तो जब ये किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो ये डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और कलर्स इसके कौन से होते हैं, वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, और यही वो लाइट होती है जिसको ग्रीन प्लांट्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इट मींस के फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा वो ये विजिबल लाइट का ही होगा। एक्चुअली जो सन होता है वो फुल स्पेक्ट्रम को ही जो इमिट करता है, लेकिन उसके बाद जब ये सनलाइट एटमॉस्फेयर में से गुजरती है तो इसमें से जितनी भी हाई एनर्जी की वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि यूवी रेडिएशंस, एक्स रे और गैमा रेडिएशंस, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर है वो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है और ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। क्योंकि अगर ये वाली वेवलेंथ ज़मीन तक पहुंच जाए तो, क्योंकि ये हाई एनर्जी वेवलेंथ्स होती हैं तो इससे बहुत फैटल इफेक्ट हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और कई डिजीज़ भी इससे हो जाती हैं, कैंसर वगैरह भी। और ये जो लो एनर्जी की वेवलेंथ्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वाटर वेपर से और कुछ गैसेस होती हैं उनसे, और एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो जो विजिबल लाइट है ज़्यादातर ये ज़मीन पर पहुंचती है, और जो टोटल जितना भी सन लाइट है उसका 40% जो है वो फिर एटमॉस्फेयर में से गुजर के ज़मीन पर पहुँचता है, और बाकी जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर यही वाली जो विजिबल स्पेक्ट्रम है यही फोटोसिंथेसिस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको जो मेजर करता है कि किस पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट करता है। पिगमेंट से यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी सुना होगा, क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, तो ये पिगमेंट्स हैं, और हर जो पिगमेंट है वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं।
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय अ पिगमेंट, यानी डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और जो फिर ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उस पिगमेंट का, और यही फिर लाइट एनर्जी जो है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो करती है। तो जितनी एब्जॉर्प्शन होगी, जो पिगमेंट जितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी इफेक्टिवनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसका एक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक्स हैं, ये वाली पीक्स हैं जो ऊपर की तरफ ग्राफ मूव करके जा रहे हैं, और इस साइड पर भी पीक है, तो दो पीक के दरमियान में जो होगा डिस्टेंस ये वैली कहलाता है। तो इसमें क्लोरोफिल्स की भी पीक्स दिखाई गई हैं और कैरोटीनॉइड्स की भी। कैरोटीनॉइड्स जो कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये 430 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर पर अपनी पीक को शो करते हैं। एक ये वाली पीक है इसकी और ये पीक है, और यहाँ तक ही जो है इसका ग्राफ रहते हैं। और जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर इसकी पीक है। इस तरफ जो है 430 नैनोमीटर और ये वाली 670 नैनोमीटर पर इसकी पीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, इसका मतलब है इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और इस तरफ जो रेड है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये इस ग्राफ में ये सारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये रिलेटिव इफेक्टिवनेस को शो करता है, तो ग्राफ शोइंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट डीवी एनटीडब्ल्यू एंजलमैन ने 1883 में स्पाइरोजायरा के ऊपर इसकी वर्किंग थी, तो उस वक्त उसने डिटरमिन किया था। तो ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, या तो ये पता अगर चल जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी लाइट में कितनी एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है। तो जिस कलर में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी इसका मतलब ये होगा कि उसका वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, ज़्यादा है। इसमें ये वाला पूरा फिलामेंट स्पाइरो जा रहा है, क्या ये एक ग्रीन एल्गा है, और जो वाइट लाइट है उसको प्रिज्म से गुजारने के बाद जब डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गई, तो वहाँ पर जो ग्रीन एल्गा यानी कि ये स्पाइरो जा रहा है, इसकी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई। इसी मीडियम में ये बैक्टीरियाज हैं, और ये कौन से बैक्टीरियाज हैं, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट हुई, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज होगी, तो वहाँ पर एग्रीगेशन जो है ये बैक्टीरिया की ये भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो एग्रीगेशन नज़र आ रही है ये रेड में और ब्लू में नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि रेड और ब्लू जो है इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है लाइट इन फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर वही बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसप्शन से या फिर ऑक्सीजन की रिलीज से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये पता चलाया जा सकता है, और उसी से ही फिर एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये इफेक्टिवनेस को शो करता है कि कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है रिलेटिव इफेक्टिवनेस को, यानी कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी अगर आप देखें तो इसमें भी पीक जो है ये ब्लू लाइट में और रेड लाइट में दो पीक्स नज़र आ रही हैं, जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें भी जो पीक्स हैं वो मोस्टली ब्लू और इस साइड पर रेड है, रेड में नज़र आता है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक और चीज़ को देखें तो जो इसमें पीक्स हैं
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं और एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स हैं ये इतनी भी मैच नहीं करती, क्योंकि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसकी पीक्स नैरो है और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसकी पीक्स जो है ये वाइडर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की नैरो नज़र आ रही है और इसकी वाइडर नज़र आ रही है। इसी तरह से जो वैटीज हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये दो पीक्स के दरमियान में ये वाला एरिया क्या कहलाता है, वैली। तो इसमें आप देखें कि वैली कितनी ज़्यादा डीप है, इसमें इतनी ज़्यादा डीप नहीं है वैली, और इसमें जो जो वैली है वो ज़्यादा वाइडर है और इसमें वैली जो है ये नैरो है। अब ये फ़र्क क्यों है इसमें? ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके तो रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। तो यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये अलग से दिखाया गया, लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम है जाहिर है कि सारी लाइट्स ने इकट्ठा करके तो फिर एक्शन शो करना है। तो इस तरह से कैरोटीनॉइड्स ने भी अपनी लाइट, क्लोरोफिल ने भी लाइट जो है वे एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे दी और फिर जो है फोटोसिंथेसिस हुई यानी कि फिर एक्शन हुआ। तो एक्शन सारी लाइट का इकट्ठा है, तो इसीलिए जो इसकी पीक्स है ये ज़्यादा है और वाइडर है, और जो इसकी वैली है यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नज़र आ रहा है कि हो रहा है ये इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से है। और अगर हम इक्वल इंटेंसिटी जो है वो लाइट की दे रेड और ब्लू में, तो फिर इन दोनों में से जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा किस में होगी, रेड में एज कम्पेयर टू द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अगर ये एमसीक्यू भी आए कि रेड और ब्लू इन दो लाइट्स में से जो है या दोनों की जो वेवलेंथ है कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में ज़्यादा होता है, तो रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फोटोसिस्टम को और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का देखेंगे।